कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है जो कि जेल नंबर 13 है और हम चार प्रिजनर्स को देखते हैं जो अच्छे दोस्त बन चुके हैं साथ रहकर और वो हमेशा की तरह जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर हमें उनके नाम बताए जाते हैं नीको, ऊनो, रॉक और जियोगो। ये सभी मिलकर उसी रात जेल से भागने लगते हैं। उन सभी को जेल की सिक्योरिटी ट्रैप से बचकर निकलना था। कुछ ही आगे जाने के बाद वो सभी एक ट्रैप में फंसते हैं जिसमें वो चारों दीवार में दबने वाले थे, लेकिन वो उससे बचकर निकल जाते हैं। फिर मगरमच्छ के ट्रैप के ऊपर से होते हुए जेल के लास्ट गेट तक पहुंचते हैं जहां जियोगो तीन ही बार में गेट को ओपन कर देता है, लेकिन गेट से बाहर जाने के बाद उन्हें जेल का एक गार्ड मिलता है जिसका नाम हुजीमी है। वो उनके सामने आ जाता है और एक एक करके सभी को पीटता है और वापस उनके सेल में ले जाता है। फिर हम देखते हैं जियोगो बता रहा होता है कि जब वो जेल में आया था तब किसी ने उसके गले, हाथों और पैरों पर कॉलर लगा दिए थे और जियोगो ने उसका चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी के गले पर एक निशान है। फिर हम देखते हैं कि हुजीमी जेल के वार्डन को जेल की रिपोर्ट देने आया था और वो हुजीमी से सेल 13 की पूछती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाली कैदी है, लेकिन हुजीमी बताता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम देखते हैं कि वार्डन अंदर ही अंदर हुजीमी से ब्लश कर रही थी। फिर हुजीमी वहां से चला जाता है और जब वो डेली चेक के लिए सभी के सेल देख रहा था, वो देखता है कि जियोगो उसी कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है पूरी जेल में। हर जगह ढूंढने के बाद हुजीमी को वो नाइट ड्यूटी रूम में मिलता है जहां वो सो रहा था। फिर जियोगो बताता है कि उसके सेलमेट सोते हुए बहुत आवाजें करते हैं, इस वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे उस रूम में जाना पड़ा। सभी खाना खा रहे होते हैं तभी जियोगो देखता है कि उनो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है। जियोगो को भी वो करना था। फिर उनो जियोगो को सिखाता है कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जियोगो उसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है जिससे उनो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर सभी अपना काम कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा आपस में बातें कर रहे थे। हुजीमी वहां आता है और सभी डॉक्टर वार्डन के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाने के लिए वो एक डोर में पासवर्ड डालता है और साथ ही अपने बारे में पूछे गए 50 सवालों का जवाब भी देता है। उसके बाद उसके अंदर जाने के लिए डोर ओपन होता है। वार्डन सेल 13 की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और साथ ही हुजीमी का भी। रिपोर्ट फाइल हुजीमी से लेते हुए दोनों की उंगलियां छूती हैं जिससे वार्डन शर्मा जाती है। फिर वार्डन पूछती है कि वो जेल से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हुजीमी नीको के बारे में बताता है जो ड्रग्स लेने की वजह से जेल में है, लेकिन ड्रग्स की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गई है। फिर उसे मेडिसिन दे दी जाने लगी। मेडिसिन में भी ड्रग्स होने की वजह से उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी, इस वजह से वो बहुत खुश है। रॉक जो कि एक बाइकर गैंग बनाने की वजह से जेल में है, लेकिन उसे जेल का फूड इतना ज्यादा पसंद आया कि वह जेल से जाना ही नहीं चाहता। फिर हुजीमी उनो के बारे में बताता है जिसे जुए की लत है और वो एक बार जेल से भागा भी था सिर्फ एक लड़की से डेट पर मिलने के लिए, लेकिन अब उसके पास कोई लड़की नहीं है डेट पर जाने के लिए, इसलिए वो बिना कोई परेशानी के जेल में रहता है। नेक्स्ट डे एक गार्ड सितारू रोती हुई जा रही थी। फिर वो हुजीमी को बताती है कि सेल नंबर 13 के कैदी उसका मजाक बनाते रहते हैं। फिर हुजीमी उसे बताता है कि उसे उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि उनके कुछ भी कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सितारू की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सेल 13 में एक और प्रिजनर आने वाला है जिसका नाम सुकुमा है, जो आते ही जियोगी को जेल से भागने का चैलेंज करता है। बाकी तीन दोस्त भी चैलेंज ज्वाइन करते हैं और जेल से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी हुजीमी वहां आ जाता है और उन्हें जेल से भागने की प्लानिंग बनाने के लिए पनिश करता है। हम देखते हैं न्यू ईयर आने वाला है तो चारों दोस्त काफी खुश थे। फिर वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही न्यू ईयर की बेल बजेगी वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जेल से भाग जाएंगे। जल्दी में पता चलता है कि न्यू ईयर की खुशी में हर साल जेल में कुछ गेम खेली जाती है जिसमें सेल के कैदी और सेल के गार्ड साथ मिलकर दूसरे सेल वालों से गेम खेलते हैं। गेम जीतने पर गार्ड्स को बोनस मिलता है और कैदी कोई भी चीज मांग सकता है जो उसे पसंद हो। वार्डन अपनी पास की मदद से पहले मैथ सेल 13 से शुरू कराती है जिससे वो हुजूमी को देख सके। फिर गेम शुरू होता है और वो रॉक और ऊनो बहुत आसानी से अपनी गेम जीत जाते हैं। नीको अपनी मेडिसिन लेते जा रही थी तभी उसे एक बंदा दिखता है जो हवा में उड़ा था। ऊनो उसे देखकर भाग जाती है। फिर ऊनो का मैच शुरू होता है और उसका ओपोनेंट वही बंदा था जो उड़ रहा था। फिर नीको उसे कहती है कि अगर वो गेम जीती तो उसे नीको को भी उड़ाना सिखाना होगा। वो बंदा जिसका नाम उपा है वो बताता है कि वो अपने लिए एक स्टूडेंट ढूंढ रहा है, अगर नीको उसे जीत गई तो वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा। कुछ ही देर में गेम शुरू होता है और नीको की पार देखकर उपा बहुत खुश होता है और साथ ही नीको अपनी पूरी पार का यूज करके उपा को हराने में भी कामयाब हो जाती है जिससे नीको और हुजीमी की टीम जीत जाती है। फिर हुजीमी को एक गार्ड गेम के लिए चैलेंज करता है क्योंकि वो देख रहा था कि वार्डन हुजीमी से प्यार करने लगी है जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच मैच शुरू होता है जिसमें हुजीमी उस गार्ड के अगले अटैक का पता लगा ले रहा था जिससे हुजीमी जीत जाता है। फिर जियोगो का मैच शुरू होता है और उसका ओपोनेंट एक अंधा इंसान था जिसका नाम मुसाशी है। फिर मुसाशी जियोगो को याद दिलाता है कि वो जियोगो ही था जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई है। मुसाशी जियोगो को हरा भी रहा था। फिर वो जियोगो से उसके गले पर लगे कॉलर मांगता है, लेकिन जियोगो बताता है कि उन्हें निकालना नामुमकिन है। फिर मुसाशी जियोगो से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसे ये कॉलर पहनाए हैं। अब ये सुनकर जियोगो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो कौन था। हालांकि मुसाशी कोई जवाब नहीं देता और अपनी फ्लेम की मदद से जियोगो को दूर फेंक देता है। अब जियोगो कहता है कि वो उस इंसान का पता लगाकर ही रहेगा अपने और अपने हाथ पैर को चेंज कर लेता है। जियोगो का हाथ पैर एक नुकीले वेपन में बदल जाता है जिससे वो मुसाशी पर अटैक करने लगता है। मुसाशी मन में कहता है कि जैसे ही सभी जियोगो की ऐसे फॉर्म को देखेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि जियोगो एक मॉन्स्टर है।
लेकिन तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सुकुमो का मैनेजर उसे जेक से निकलवाने आया था। फिर हमें बताया जाता है कि सुकुमो एक बहुत फेमस एक्टर है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन असल में सुकुमो जब छोटा था तभी उसे उसके फैमिली ने घर से निकाल दिया था, और तभी एक डायरेक्टर सुकुमो के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदर है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। फिर वो सुकुमो को एक बहुत अच्छा निंजा एक्टर बनाती है। सुकुमो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी मूवीज़ भी बनाता है जिससे उसके बहुत सारे फैंस भी बनते हैं। हालांकि जल्द ही उसे उसकी मदर की सच्चाई का पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो सब छोड़कर दूर भाग जाता है और कुछ गलतियों की वजह से जेल में आ जाता है। मैनेजर सुकुमो से कहता है कि चाहे उसकी मदर ने उसके साथ गलत ही किया हो, लेकिन उनकी मदद से आज सुकुमो एक फेमस एक्टर बन गया है, और वैसे भी सुकुमो को उसकी मदर की ज़रूरत है हमेशा से। फिर सुकुमो देखता है कि जियोगो ने उसकी सारी बातें सुन ली है, जिसकी वजह से जियोगो सुकुमो को भी अपना दोस्त बना लेता है, जिससे उसके बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां जियोगो बहुत गुस्से में लग रहा था और मुसाशी के ऊपर बहुत स्ट्रांग अटैक भी कर रहा था, जिससे हर जगह तबाही मच गई थी और देखने वाले लोग भी डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो दोनों रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे और जियोगो लगातार पूछ रहा था कि उसे ये कॉलर किसने पहनाए। अब उन दोनों को ना रुकता देख प्रेजेंट के दो बेस्ट गार्ड आते हैं और मुसाशी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हुजूमी आता है जियोगो को रोकने के लिए। हुजूमी जियोगो की तरफ शूट करता है, लेकिन जियोगो उसके सभी अटैक को रोक लेता है। अब ये देखकर जियोगो के दोस्त भी उसे रोकने आ जाते हैं। रॉक और नीको जियोगो को पकड़ते हैं और उन्हें जियोगो से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोगो उन दोनों को दूर फेंकता है और लगभग उसने उन्हों को बीच में से काट ही दिया था। लेकिन तभी हुजूमी बीच में आ जाता है और जियोगो का अटैक रोक लेता है। हुजूमी भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और जियोगो को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे जियोगो के मुंह से ब्लड भी आ जाता है। तभी वार्डन जोर से चिल्लाकर हुजूमी को रुकने को कहती है और हुजूमी भी रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और इतना पीटने की वजह से अभी भी होश नहीं आया था। जियोगो के दोस्त हुजूमी से नफरत करते हैं। हुजूमी थोड़ा सॉरी फील कर रहा था और बताता है कि वो जियोगो को मारना नहीं चाहता था और शायद उसने ज्यादा कर दिया। हुजूमी को सजा के तौर पर 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुजूमी वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि जियोगो को भी अभी होश आया है। मुसाशी को अंडरग्राउंड सेल में रखा जा रहा था। फिर जियोगो और मुसाशी के वॉकी टॉकी की मदद से बात कराई जाती है। फिर मुसाशी बताता है कि जिसने जियोगो को कॉलर दिए उस इंसान ने मुसाशी की लाइफ भी खत्म कर दी। मुसाशी बचपन से अपने अंदर से फायर निकाल सकता था, इस वजह से उसे हमेशा से मॉन्स्टर कहते हैं। लेकिन फिर वो आदमी जिसके गले पर निशान है वो आया और मुसाशी से कहा कि वो उसके लिए उसकी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। हालांकि वो बंदा कोई अच्छा इंसान नहीं था और उसने मुसाशी की फ्लेम और ज्यादा बढ़ा दी और उसे पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बना दिया। जैसे ही उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और मुसाशी उसके किसी काम का नहीं रहा, तो उसने अपने वेपन जैसे हाथों से, जैसे जियोगो के पास भी है, उनसे मुसाशी की फ्लेम काट दी। मुसाशी बताता है कि उसे जियोगो के वेपन जैसे हाथ पर चाहिए, जिसकी मदद से और फ्लेम की मदद से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और उस इंसान को खत्म कर पाएगा। हुजूमी भी उनकी ये बातें सुन रहा होता है और वो जियोगो से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा उस इंसान को ढूंढने में। कुछ टाइम बाद जियोगो अपने सेल में वापस लौट जाता है और वापस देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जियोगो सभी से कहता है कि पूरी दुनिया में वही है जो उसे इतने अच्छे से समझते हैं और उसने जो भी उनके साथ किया था उसके लिए उनसे माफी मांगता है। न्यू ईयर गेम जीतने के लिए इनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। रॉक प्रिजन में एक अमल लगवाता है जिससे वो पिज्जा खा सके, और रॉक बताता है जब वो भूख से मर रहा था तब जियोगो ने उसकी मदद की थी और प्रिजन से भागकर उन्होंने अच्छा फूड खाया था। नीको का गेम रूम तैयार था जिसमें बहुत तरह की गेम्स थी। जियोगो ने कभी गेम्स नहीं खेली थी, इसलिए वो नीको से उसे गेम खेलना सिखाने की कहता है। तभी वहां मुसाशी आ जाता है, उन्होंने जियोगो से मांगने को कहता है। मुसाशी भी चुपचाप माफी मांग लेता है। किम शीडो जो कि मुसाशी का गार्ड है, वो मुसाशी से उसके पास्ट के बारे में और बताने का कहता है। फिर मुसाशी बताता है कि जब वो बॉर्न हुआ तब से उसकी स्किन गर्म रहती थी, लेकिन वो ज्यादा डरने की बात नहीं थी। लेकिन एक बार मुसाशी को बहुत खतरनाक फीवर हुआ जिससे उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसके अंदर से फ्लेम निकलने लगी और उसने खुद को ही जला लिया। मुसाशी के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और हमेशा उसकी तरफ देखकर स्माइल करते और उसे हौसला देते थे। मुसाशी एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता, लेकिन एक लड़के ने उसके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से सभी लोग मुसाशी से दूर रहने लगे और उसे हेट करने लगे। फिर एक दिन मुसाशी के पेरेंट्स आग में जल गए, जिसका इल्ज़ाम भी मुसाशी पर ही लगा दिया गया, जिसकी वजह से मुसाशी को जेल में लाया गया और इस इंसान से मिला जिसने मुसाशी से कहा कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे और ज़्यादा बदल दिया। मुसाशी की स्टोरी सुनने के बाद किम शीडो कहता है कि उसे मुसाशी की बातों पर पूरा भरोसा है और बताता है कि वो ऐसे लोगों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। साथ ही किम शीडो मुसाशी की मदद करने की भी कहता है। फिर उन सभी को उसका गेम रूम दिखाता है और सभी को उसका रूम डेकोरेट करने के लिए मदद मांगता है, लेकिन इस सबसे हुजूमी बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी को उसके सेल में जाने का ऑर्डर देता है। रात में जियोगो नींद से उठता है और बताता है कि उसके चेस्ट में कुछ अजीब सा लग रहा है। उन्हें उसे कहता है कि उसके दोस्त उसकी मदद के लिए है, तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोगो बाहर जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि जिंदगी में ये पहली बार है कि वो अगले दिन का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी जियोगो के कंधे पर एक हाथ आता है जो कि एक एल्फ था। वो बताता है कि पहले वो साथ में खेला करते थे। फिर वो पूछता है कि क्या वो इस इंसान को जानता है जिसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे जियोगो जी सके।
फिर जिएगो से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को जानता है जिसके गले पर निशान है, और जिएगो उस इंसान को कमीना बोलता है। अब ये सुनकर वो एल्फ बहुत गुस्से में आ जाता है और नाइफ निकाल कर जिएगो पर अटैक कर देता है, और जिएगो को मार नहीं जा रहा था। लेकिन तभी जिएगो अपने एक हाथ का ब्लेड निकाल लेता है जिससे वो एल्फ का नाइफ काट देता है। फिर एल्फ बताता है कि उन्हें और बॉडी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये बोलकर गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिएगो और उसके दोस्त हमेशा की तरह जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जिएगो एक डोर बंद करके अपने दोस्तों को आने से रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस एल्फ से दोबारा मिलने के लिए उसे सभी से दूर जाना होगा। फिर जिएगो अपने हाथ को ब्लेड बनाता है और सामने खड़े हुजूमी से फाइट करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में जिएगो के दोस्त डोर ओपन करके उसे रोक लेते हैं। फिर जिएगो को समझ आता है कि वो जेल ही है जो उसका असली घर है, और उसे अपने दोस्तों से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सीज़न का यही एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।